चोरों ने उठाया लॉकडाउन का फायदा, मोबाइल की दुकान से सेक लगाकर 2 लाख की चोरी को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मार्केट में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने 2 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि जनपद में 2 दिन से लॉकडाउन चल रहा था। जब आज सुबह उन्होंने दुकान पर आकर देखा तो दुकान में नाले के ऊपर रखे पत्थर को हटाकर और दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने दुकान में रखे लगभग 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर रखा था, जिसे देखते ही दुकान मालिक की होश उड़ गया और उन्होंने तत्काल चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। कमरू बोर बताइए, कमरू जी क्या हुआ आपकी दुकान में, क्या हादसा घटा? ये दुकान दो लॉकडाउन की वजह से 2 दिन से बंद थी। आज जैसे ही मैं अपनी दुकान आके खोली तो ये पटने थोड़े पैर रखने से हल्के से दबे, तो मुझे लगा के शायद दीवार गिर गई दुकान के, क्या हुआ। जैसे ही लोग खोला तो अंदर से देखा कि फटा हुआ है, यहाँ से खड्डा करके दुकान में से मोबाइल एसरी चार्जर वार्जर सब चोरी करके ले गए। कितने मोबाइल? 10 से 15 के बीच में मोबाइल होंगे। कितने मतलब पैसे? ये 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, जिसमें 15,000 रुपये कैश भी रखे हुए थे, वो भी ले गए। हाँ, अभी मैंने कार्रवाई की बात की, तहरीर दर्ज करा दी, मेरी अभी बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी इसमें बारे में कुछ नहीं पता चल। सर, सुबह चोरी हुई है थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मदनी चौक के पास, एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होती है, जांच कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सर, 2 दिन का लॉकडाउन हुआ, जिस तरह सेंध लगाकर चोरी की गई है, तो क्या किस तरह की मानसिकता? जांच से पता चलेगा। जांच कितने की चोरी है? पुराने मोबाइलों का काम करता था वो, पुराने मोबाइल जो रिपेयर होने के लिए आए थे वो बताए जा रहे हैं चोरी हुए। सर, कुछ पता चल पाया आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा? जांच की जाएगी, तभी तो पता चलेगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस